कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी सदस्यों के जयपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई को वो ये दौरा कर रहे हैं। स्क्रीनिंग कमेटी सदस्य गणेश गोड़ियाल और अभिषेक दत्त भी जयपुर में मौजूद हैं। आपको बता दें कि रविवार को भी कांग्रेस वॉर रूम में वरिष्ठ नेताओं से उनकी मुलाकात हुई थी। आज भी वॉर रूम में संवाद जारी रहेगा। अजमेर, बीकानेर, सीकर और जयपुर संभाग के वरिष्ठ नेताओं से आज मुलाकात का कार्यक्रम है। 30 अगस्त को वॉर रूम में भरतपुर, जोधपुर, कोटा और पाली संभाग के लोगों से मुलाकात की जाएगी। 31 अगस्त को स्क्रीनिंग कमेटी उदयपुर जाएगी और उदयपुर में बांसवाड़ा और उदयपुर संभाग के नेताओं से मुलाकात की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जयपुर से वरिष्ठ संवाददाता दर्शत सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए। दर्शत, कल भी जब हमने आपसे बात की तो कुछ सुझाव जो कांग्रेस के नेताओं की तरफ से आए थे, आज चूंकि दूसरा दिन है, जाहिर तौर पर गोगोई का जो कल का बयान था कि सब कुछ बहुत चेहरों से पता चलता है, खुशनुमा चेहरे हैं, चेहरों पर जो मुस्कान है ये बताती है कि बहुत अच्छा संवाद किया जा रहा है। आज के कार्यक्रम की बात करें तो क्या खास रहने वाला है? देखिए, निश्चित तौर पे संवाद का दौर लगातार जारी है। कई नेताओं से कल वन टू वन भी बात गोगोई की तरफ से की गई थी और आज की अगर बात करें तो प्रभात सुबह 10-10:30 बजे के करीब ये संवाद का दौर शुरू होगा। सबसे पहले अजमेर संभाग के जो नेता है, खासकर अजमेर संभाग के जो मंत्री हैं, विधायक हैं और जो विधायक प्रत्याशी रहे हैं, लोकसभा सदस्य रहे हैं और जिलाध्यक्ष रहे हैं, इन तमाम नेताओं को बुलाया गया है और इनसे पहले के सगों के रूप में उनसे मीटिंग की जाएगी, बात की जाएगी और जिले की हालात पर चर्चा की जाएगी और वहाँ क्या अमेंडमेंट होने चाहिए उसको लेकर उनसे सुझाव मांगे जाएंगे और उसके बाद हो सकता है कि कई नेताओं से वन टू वन भी बात की जाए। अजमेर के बाद में जयपुर, सीकर और बीकानेर, इन तीन अलग जो संभाग है इनके नेताओं से भी वही रूट मैप के आधार पर चर्चा की जाएगी, रायशुमारी की जाएगी, क्योंकि टिकट से पहले एआईसीसी के स्तर पर लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जिताऊ को ही टिकट मिले, यानी ऐसे किसी व्यक्ति को टिकट नहीं मिले जो पार्टी में हारे और उसका नुकसान फिर है सरकार बनाने में या 2024 में उसका पड़े। इसी के मद्देनजर अलग अलग सर्वे कराए जा रहे हैं और रायशुमारी की जा रही है, पैनल बनाए जा रहे हैं और उसके बाद 3 से 5 नाम जो पैनल में आएंगे तो उसमें किसी एक नाम पर मोहर लगाई जाएगी। तो आज भी दिन भर रायशुमारी का दौर जो है कांग्रेस मोर्चे में जारी रहेगा। प्रभाव, बहुत शुक्रिया दर्शक तमाम जानकारी के लिए। दिन भर रायशुमारी चलेगी, आज दूसरा दिन है। 3 से 5 नामों का एक पैनल तैयार किया जाएगा, स्क्रीनिंग कमेटी को ये नाम भेजा जाएगा और सर्वे के मुताबिक जो कांग्रेस करवा रही है उसके मुताबिक जो भी इन 3 से 5 नामों में सबसे ज्यादा आगे बढ़ता हुआ जीतता हुआ नजर आएगा, स्क्रीनिंग कमेटी उसके नाम को आगे फाइनल कर सकती है।